Morning students, we complete our part 1 of chapter number 9, so it's time to move next part of chapter number 9. So let's start reading with explanation of chapter number 9. He walked towards the great king's palace and came across many travelers, but against his expectations few of them were noble, powerful people. Most of them were shepherd, gardeners and poor people. वह जो है राजा के महल की ओर चले और कई यात्री उनके बीच में आए और जो महान शक्तिशाली लोग थे उसमें जो अधिकांश लोग थे वो जो है चरवाहे थे, बागवान थे, गरीब लोग थे. Seeing their unshod feet and thinking of what little use such a powerful king would have for his few riches, Hamid ended up sharing the last of his jewels with these poor people. और उनके जो अनचाहे पैरों को देखकर वो सोचते थे कि इतने शक्तिशाली राजा का क्या उपयोग है, जो कुछ हमारे पास धन बचा हुआ है और हाँ वो भी मैं गरीबों की सहायता में दे देता हूँ. His plans disappointed but he did not give up his journey. और उनकी योजनाओं में जो उनकी यात्रा थी उन्हें बहुत निराशा मिली लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. So he carried on walking and saw that after a bend the road came to an end. इसलिए वह चलते रहे और देखा कि एक मोड़ के बाद सड़क समाप्त हो गई थी. There was no sign of palaces, soldiers or horses. वहाँ जो है महलों और सैनिक घोड़े आदि का कोई संकेत नहीं था. All he could see was a small stable at the side of the road. Where poor families were trying to protect themselves from the cold. और उसने देखा कि सड़क के किनारे छोटे से अस्तबल में कुछ गरीब परिवार थे जो खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को. हामिद वॉज डिसअपॉइंटेड एट हैविंग गॉट लॉस्ट अगेन. And he approached the stable intending to ask these people if they knew the way to the new king's palace. Hamid फिर से निराश हो गए और उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या वो नए राजा के महल का रास्ता जानते हैं. I bring a message for him. मैं उनके लिए एक नया संदेश लाया हूँ. He explained showing them a parchment. उन्होंने उन्हें एक चर्म पत्र दिखाते हुए समझाया. I would like to serve him. मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ. And have an important position in his kingdom. और उनके राज्य में मैं एक महत्वपूर्ण स्थान चाहता हूँ. On hearing this, they all smiled, especially the newborn baby who was laying in a manger. यह सुनकर वे सभी मुस्कुराए, खास करके एक छोटा सा बच्चा जो पड़ा हुआ था. The lady in the stall held out her hand and taking the message said, "Give me the message. I know him." And will give it to him in person. वहाँ एक महिला थी, उसने हाथ निकाला और कहा कि आप मुझे अपना संदेशा दे दीजिए, मैं उन्हें जानती हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें दे दूँगी. And she gave the parchment to the child who, to the sound of everyone's laughter, squeezed it with his little hands and chewed it, putting the parchment
बियॉन्ड रिपेयर, और उसने उस बच्चे को शरबत दे दिया जिससे सभी हंसने लगे। और अपने छोटे से हाथों में लेकर उसने चरणपत्र को चबा लिया और हामिद डिड नॉट फाइंड दिस फनी। हामिद को यह अच्छा नहीं लगा, मतलब मजाकिया नहीं लगा। रियलाइजिंग दैट ही नाउ हैड वर्चुअली नथिंग, ही फेल टू द फ्लोर क्राइंग बिटरली। वह महसूस करते हुए कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है और वह फूट फूट कर फर्श पर गिरकर रोने लगे। व्हाइल ही वॉज वीपिंग द बेबीज हैंड टच्ड हिज हेयर। जब वो रो रहे थे तो बच्चे का जो हाथ था उनके बालों से टकराया। द लॉर्ड लिफ्टेड हिज हेड एंड लुक्ड एट द चाइल्ड। जो उसने अपना सिर उठाया और बच्चे की ओर देखा। ही वॉज क्वाइटली स्माइलिंग एंड वॉज सच अ लवली हैप्पी बेबी दैट हामिद सून फॉरगेट हिज ट्रबल्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम। और वह चुपचाप से जो कि बच्चा मुस्कुरा रहा था और एक ऐसे प्यारे बच्चे को देखकर हामिद जल्दी ही अपना सब कुछ भूल गया और उसके साथ खेलने लगे। And there he stayed almost the whole night in the presence of the poor family, telling them of his travels and adventures and sharing with them what little he had left. और वहाँ वह लगभग पूरी रात रुके और उस गरीब फैमिली की मौजूदगी में उन्होंने अपनी यात्रा का और एडवेंचर का वर्णन किया उनके साथ, मतलब उनके साथ अपनी बातों को। रात भर वो दोनों बातें करते रहे कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। When the dawn broke, Hamid got ready to leave, bidding farewell to all and kissing the baby. जब सुबह वो हामिद मतलब वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने सबसे विदाई ली और बच्चे को चूमा। द चाइल्ड स्माइलिंग एज ही हैड डन द फेयरवेल टू ऑल द चाइल्ड स्माइलिंग एज ही हैड डन द होल नाइट थ्रू ग्रैब्ड द शॉगी पर्चमेंट एंड स्ट्रक इट इन हामिद्स फेस। बच्चा मुस्कुराते हुए उसने वह चर्मपत्र उन्हें मुस्कुराते हुए उसने हामिद को वह चर्मपत्र पकड़ा दिया और हामिद लुक द पर्चमेंट एंड किप्ट इट एज अ सुवनीर ऑफ द चार्मिंग फैमिली। और हामिद ने चरणपत्र लिया और उसमें से एक के रूप में रख लिया उस प्यारे से परिवार का। That day he began his journey home. Several days later, remembering his night in the stable, he found the parchment among his clothes and opened it. उस दिन उन्होंने अपने घर की यात्रा शुरू करी और कई दिनों के बाद वे अपने रात को याद करते हुए अपने कपड़ों के बीच में चर्मपत्र को रख दिया। द बेबीज सलाइबा एंड लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। और बच्चे की जो लाड थी वो मूल संदेश में उसने कोई भी निशान नहीं छोड़ा था। बट राइट एट दैट मोमेंट
While he was looking at the empty paper, some drops of water and gold filled the air around the parchment and slowly came to rest on it. लेकिन ठीक उस समय जब वो खाली कागज़ देख रहे थे तो पानी और सोने की कुछ बूंदों ने चरणपत्र के चारों ओर हवा भर दी. धीरे धीरे उस पर वो अराउंड द पर्चमेंट एंड स्लोली केम टू रेस्ट ऑन, उन्हें आराम की अनुभूति हुई. एंड विथ टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस मिलिंग डाउन हिज चेक्स, और उनके गालों पर खुशी के आंसू आ गए. हामिद ने पढ़ा, आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे आपका संदेशा मिला. थैंक यू फॉर कमिंग एंड फॉर ऑल द गिफ्ट्स यू ब्रॉट फॉर माई फ्रेंड्स हु यू मेट ऑन द वे. उसमें लिखा था कि धन्यवाद आपको, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको रास्ते में मिले जिनकी आपने मदद की. और आई अश्योर यू ऑलरेडी हैव अ ग्रेट पोजीशन इन माय किंगडम. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पास पहले से ही एक महान व्यक्ति है जो मेरे साम्राज्य में है. सो थैंक यू क्लास.